मुश्किल है ना, कुछ जगह तो जाएंगे, कुछ जगह जाएंगे। गरीब कल्याण रोजगार अभियान का हम लोग का थोड़ा सा छूट गया है, उसमें कुछ तो हम लोग कर रहे हैं। जो पता चले कब जा रहे थे टाइमिंग पता चले, जगदीशपुर पंचायत का जाएंगे, डुमराव से आएंगे तो फिर हम जाएंगे। तो सर हम लोगों के द्वारा निरीक्षण किया गया है, और जो जहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनसे भी हम लोगों को बात किए हैं। कुछ कुछ लोगों की समस्या है, थोड़ी वो सफाई को लेकर उनकी समस्या है, और गर्म पानी को लेकर दो समस्या उन्होंने बताया। बाकी उनको खाने पीने की किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं बताई है। इन दो चीज़ों पर हम लोग जो है सुधार करेंगे। वेंटिलेटर क्या लगाया? अब इसको जो है हम लोग अभी हम लोग निरीक्षण जो करने आए हैं, तो इसमें दो तरह का चीज़ हम लोग देख रहे हैं। अभी तत्काल हम लोग जो देख रहे हैं इसको हम कोविड केयर केंद्र की तरह हम लोग ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन जो सरकार का निर्देश यह है कि हम लोग एक कोविड केयर हॉस्पिटल के रूप में भी हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे। तो अभी हम और एसपी साहब उसी का निरीक्षण करने आए हैं, सारे दृष्टिकोण से देख रहे हैं। तो हम लोग का दो से तीन दिन के अंदर हम लोग जो है यहाँ पे कोविड केयर हॉस्पिटल के रूप में इसको हम लोग इस बिल्डिंग को हम लोग कन्वर्ट करेंगे, जहाँ पर हर एक बेड पर ऑक्सीजन की फैसिलिटी रहेगी। और साथ साथ हम लोग जो दो वेंटिलेटर की जो बारे में जो बात कर रहे हैं, तो उसमें भी हम लोग उसमें चूंकि अभी तकनीकी जो चलाते हैं वो अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन हम लोग जो प्राइवेट लोग हैं उनसे हम लोग बात करके प्रयास कर रहे हैं कि उनके मदद से यहाँ पे हम लोग उसको संचालित कर सकें। सर जिस तरह से कोरोना संक्रमित मरीज बढ़ने लगता है, आइसोलेशन सेंटर की संख्या बढ़ाना पड़ेगा हमारे? आइसोलेशन की संख्या जो है हम लोग बिल्डिंग जो है हम लोगों की खोजी गई है, जो डुमराव में जैसे डाइट की बिल्डिंग हम लोग चिन्हित किए हैं, फिर ब्लॉक आईटी केंद्र के रूप में जो बहुत सारे जो भवन हम लोगों के बन के तैयार हैं, जो नया बन गया है और हस्तांतरण नहीं हुआ है, उन सब भवन को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। तो हम लोग की आगे की तैयारी पूरी है, हम लोग लगभग 1200-1300 बेड को हम लोग तैयार रखेंगे।